हमास के डेप्यूटी चीफ। यहां शनिवार पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें शनिवार का टाइम पूरा हो चुका है। अमेरिकी नागरिकों के खून से रंगे हैं शनिवार के हाथ। एक और बड़ा बयान और बड़ी चेतावनी के साथ साथ बड़ी धमकी, जहां पर शनिवार के खात्मे का ये एक और बड़ा संकेत इस बयान के आधार पर। हालांकि अब जिस तरीके से लगातार जंग विध्वंसक होती जा रही है, ये जानना समझना जरूरी है इस खबर के आधार पर कि आखिर किस तरीके से शनिवार के खात्मे की प्लानिंग की गई है। तो शनिवार का खात्मा तय है। इसमें खास बात यह है कि पहली बार अमेरिका ने शनिवार को यह धमकी दी है। अभी तक इजराइल ने ही खात्मे की बार बार बात दोहराई थी। अब अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन की यात्रा के बाद यह बयान जिस तरीके से सामने आया, उसमें अमेरिकी लोगों के खून से रंगे हैं शनिवार के हाथ, ये बात कही गई है। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड शनिवार है। शनिवार के दक्षिण गाजा में छिपे रहने की खबरें भी हैं, और यही वजह है कि दक्षिण गाजा में जिस तरीके से इसराइल लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है, दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए कि शनिवार का घेराव किया जा चुका है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये, क्या अमेरिका को शनिवार का पता मिल गया है? इस बीच इसराइल ने जिस तरीके से यहां शनिवार का पता बताने वाले के लिए इनाम की घोषणा की है, एक और बड़ी खबर सामने आई है। यहां शनिवार जिसके ऊपर अब 3 करोड़ से ज्यादा का इनाम का ऐलान कर दिया गया है, और मोहम्मद शनिवार को लेकर खबर आई, 2 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित किया गया है, जो कि यहां शनिवार का भाई है। खबर राफा सलामा को लेकर, जिसके ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा के इनाम की घोषणा की गई है, और खान यूनिस ब्रिगेड का ये कमांडर है मोहम्मद आइफ, जिसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी भी हुई है, जो कि हमास मिलिट्री विंग का हेड है, इस पर भी 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि लगातार जंग और विध्वंसक होते हुए आईडीएफ की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि वो यहां शनिवार के करीब है, उसकी लोकेशन पता लग चुकी है, और शनिवार का खात्मा तय है।